सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया फ्रेश व्लॉग। तो आज है दिवाली, सो पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी मेरे घर वाले गए हुए हैं किसी को दिवाली गिफ्ट देने, एंड पीछे से मैंने पूरा रूम अपना सेट कर दिया है, क्लीन कर दिया है। आके उनका रिएक्शन नोट करते हैं कि क्या उनका रिएक्शन होता है। वैसे मम्मी तो बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि वो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रही थी अपना रूम सेट कर ले, अपनी अलमारी सेट कर ले। एंड ऑफिस के साथ साथ ये मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, सुबह निकल जाता शाम को आता था। अब जैसा भी है, जो भी है, मम्मी का रिएक्शन नोट करते हैं। एंड गाइज, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं किसी दिवाली पार्टी में, तो वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त आने वाले हैं, मैं सबसे आपको मिलवाऊँगा। सो गाइज, मैंने ये सोचा है कि अब से मैं व्लॉगिंग के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करूँगा। कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है, कैसे अपने काम के साथ इसको कंटिन्यू रखना है, वो सब अभी बात की बात है। बट हाँ, अब से मैं व्लॉगिंग के लिए सीरियस हो रहा हूँ थोड़ा सा। दूसरी चीज़ ये, मेरे को काफ़ी मज़ा आता है जब मैं अपनी कोई पुरानी वीडियोज़ को रिविज़िट करता हूँ या कोई पुरानी मेमोरी को रिविज़िट करता हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में। सो ये भी एक रीज़न है जो मैं अपना फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइस, शो सम लव, एंड गाइस बेल आइकन दबा देना एंड सब्सक्राइब का बटन हिट कर देना अगर व्लॉग अच्छा लगे तो। बाकी जुड़े रहिए, और आज जो भी फन होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स ना दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट में गए थे, और भाई जब से मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ, मैं उससे ओवर ही नहीं हो पा रहा हूँ भाई। इतना तगड़ा एक्सपीरियंस था। और सही बताऊँ भाई, जो लोग ये कहते हैं ना कि इतनी महंगी टिकट लेके क्या फ़ायदा है, गाड़ी में सुन लेते, टीवी पे सुन लेते, भाई मैं सबको ये बताना चाहता हूँ भाई, कभी भी एक्सपीरियंस लेने से डरा मत करो। इतना प्यारा एक्सपीरियंस था ना भाई, जब 60,000 ऑडियंस के बीच में दिलजीत पाजी गाना गाते और उनके साथ वो 60,000 ऑडियंस सेम लेवल पे, सेम पिच पे गाना गाती है, भाई क्या ही तो एक्सपीरियंस था यार, क्या ही एनर्जेटिक वाइब थी वहाँ की। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक्सपीरियंस हमेशा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भाई, उन्होंने एक गाना गाया था खड़कू, भाई खड़कू एक ऐसा गाना था जो हम अपने स्कूल टाइम पे सुना करते थे, मैं मेरे दोस्त, भाई तगड़ा गाना था। और वो फिर से वो वाइब वापस ले आए, तो आई लव दैट सॉन्ग खड़कू। कमेंट में बताओ भाई, किस किस को, जो जो भी दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट में गया था, उसका उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और खड़कू किस किस का फेवरेट सॉन्ग है, कमेंट डाउन। ओके भाई, अभी निकल रहे हैं कल आज रात की पार्टी का जुगाड़ करने, और बाकी ये कुर्ता ऑल्टर कराना था, ऑल्टर कराने देने जा रहे हैं। सरांज भाई हैं ये हमारे, इन्हीं के घर पर पार्टी है आज। सरांज भाई, कुछ कहना चाहोगे, व्लॉग में आ रहे हो तुम? फर्स्ट टाइम कहना चाहूँगा कि आज आप लोग हमारे साथ इतना इन्जॉय करोगे ना, मैं मज़ा आ जाए। तो भाई, ये कुर्सियों का जुगाड़ हो चुका है आज शाम की पार्टी के लिए। सरांज भाई, हमारी टी शर्ट गंदी हो रही है आगे से, पीछे से भी हो रही है, देखिए। नहीं, कुर्ता लेने गए, बताओ भाई, तो कुर्ता ही नहीं है भाई के साइज का, दिखाना भाई साइज, साइज देखो भाई का, बॉडी बना रही है ये, देखो यहाँ तक इधर निकल रही है, जो बीमारी हो गई है थोड़ी, ये देखो छोटा भाई, ये कुर्ता ट्राई कर रहे हैं। आपको तो बताइए, मेरी बॉडी और इनकी बॉडी में ज्यादा 19-20 का फर्क है, बस आ ही जाएगा, करो भाई आराम से, आराम से, आराम से। पता है भाई, मेरे को पता है, नहीं भाई मेरी बॉडी अच्छी है, बस भाई फाड़ना मत। बस भाई, हैंड्स प्रूव्ड भाई, 19-20 का फर्क है, 19-20 का दिखाओ डोला। अरे मेरे को तो दिखाने दो एक बार गाइस, दिख रहा है कुछ? एक सेकंड रुको यार, साइड हो भाई, उतरवा दे जरा, सॉरी से ब्रो, अब ये पहन के रखो। अबे चल चल, जल्दी गाइस, पूजा हो चुकी है हमारे घर की, और मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा लग रहा है। सो ये है हमारे घर का मंदिर गाइस, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर टुनाइट। एक बार कमेंट में बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, बहुत सेक्सी। चलते हैं पार्टी में, सी यू राइट देयर। तो सो गाइस, मेरी मम्मी ने आज खीर बनाई थी, तो सोच रहा हूँ जाने से पहले एक बार वो टेस्ट कर जाऊं। थोड़ी कम ही खाऊंगा, बिकॉज शुगर ज़्यादा नहीं खा सकता मैं, डाइट चल रही है।
गाइस, दिस इज माय फ्रेंड मनन, आजा। एंड दिस इज वंश, वेलकम बैक टू माय चैनल। शगुन करते हुए शगुन हो गया गाइस। हैप्पी दिवाली। भैंचो फटा ही नहीं। दिवाली शुरू। गाइस तुम्हारे को दिखाता हूँ असला 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 असली गैंगस्टर। सोसाइटी में अलाउड नहीं है भाई, फिर भी चलो भाई कर दे। अबे फटेगा फेंचो। भाई हम लोग ना देखो फिर आ गए, पटाखे इतने फोड़े ना यार। इन्हीं को बोल देता हूँ भाई, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्योंकि ये तो डाउन है। चार पैक ये बीच में आ जाते हैं, अंधेरा आ जाता है बीच में, थोड़ा थोड़ा चंदा मामा आ जाते हैं बीच में, तभी तो फ्लैश ऑन कर रही है। नेक्स्ट ईयर मिलियन में लेता हूं। ये कैसे गाइस, ये मैंने कितने का लिया ये वाला? मैंने डेट रख लिया था। चलो क्या करेंगे ऊपर जाके? ये मेरा भाई 3.5 है। असला रख लिया हमने, असला तो पहले ही फोड़ चुके हैं, एक असला गाड़ी में रख लिया है, हैं? एक असला ही आएगा साड्डा। हाँ भाई, कैसी जा रही है दिवाली? मजा आ रहा है ब्रो। तेरी भाई? तेरी? लगा दी एक नंबर भाई, मौज आ रही है। बोल ओके ब्रदर। भाई गली इधर भी जा। गाइस 3 बज चुके हैं भाई, टाइम दिखाइयो एक बार। राजे टाइम दिखा, दैट्स ले 3:02 हो रहे हैं गाइस। लोगों को उठाने का टाइम हो चुका है, और पटाखे हम फोड़ेंगे अब। पिराइट आ जाएगा भाई। गुलशन जगमगा दिया मैं। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपको बेस्ट पार्ट लगा हो व्लॉग में। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।